हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आपने थंबनेल में सही देखा, कंपनी लॉ मैराथन का फेज टू जो है वो कल से स्टार्ट होने वाला है। बेटा मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे, बिकॉज फेज वन को एक्सेस करने का पासवर्ड एंड तरीका जो था वो अलग था और इसका एक्सेस करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसलिए प्लीज ध्यान से देखेंगे। जितने लोगों ने भी मेरा मैराथन वन मतलब सेक्शन वन से लेके सेक्शन 148 तक देखा है, उन लोगों ने जो भी तरीका एक्सेस करने का लेक्चर देखा था वो इससे डिफरेंट है। तो प्लीज यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल एंड। बच्चे बड़े ध्यान से समझते हैं प्लीज। जैसा आप सबको पता है कि हम लोगों ने 5 अप्रैल को मैराथन स्टार्ट किया था, महामैराथन ऑफ कंपनी लॉ, जो अन अकेडमी पे चल रहा है डेली इवनिंग 7 to 8। आज 19 अप्रैल को हमारा जो फेज वन है बेटा वो कंप्लीट हो गया है। फेज वन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? फेज वन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू कंपनीज, मेंबरशिप, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के साथ हम लोगों ने पढ़ा शेयर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर ट्रांसमिशन, चार्जेस, डिपॉजिट्स, अकाउंट्स, ऑडिट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स, जनरल मीटिंग। मतलब कहने की अगर इफ इफ यू कैन से तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने सेक्शन 148 तक है वो सारा का सारा हम लोगों ने अपने कंपनी लॉ के फेज वन के अंदर पूरा रिवाइज किया। एंड कल से यानी कि 20 अप्रैल से हमारा जो फेज टू है वो स्टार्ट होने वाला बच्चे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, अपनी पूरी रिवीजन करेंगे सेक्शन 149 से लेके सेक्शन 470 की। मतलब इसके अंदर कौन कौन स्टूडेंट्स आ सकते हैं सर, ये किसके लिए रेलेवेंट है समझने की कोशिश करते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव के जो बच्चे हैं वो इसमें आ सकते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के बच्चे आ सकते हैं, फिर चाहे वो ओल्ड कोर्स के हो चाहे वो न्यू कोर्स के हो। सीए फाइनल के बच्चे आ सकते हैं, फिर चाहे वो ओल्ड कोर्स के हो चाहे वो न्यू कोर्स के हो। सीएमए फाइनल के बच्चे आ सकते हैं, चाहे वो ओल्ड कोर्स के हो या न्यू कोर्स के हो। आई रिपीट, मैंने क्या क्या बोला? सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे आ सकते हैं कंपनी लॉ के ओल्ड एंड न्यू कोर्स के, सीए फाइनल के बच्चे आ सकते हैं ओल्ड एंड न्यू कोर्स के, सीएमए फाइनल के भी बच्चे आ सकते हैं न्यू एंड ओल्ड कोर्स के। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो बच्चे हैं सीएस प्रोफेशनल ओल्ड कोर्स के एडवांस्ड कंपनी लॉ के बच्चे वो भी इसमें आ सकते हैं। अमित सर, इसके अंदर आप क्या क्या चीजें करवाने वाले हो? बेटा ध्यान से देखिएगा प्लीज। हम लोग फॉरेन कंपनी पढ़ेंगे डिटेल में। फॉरेन कंपनी जो कि चैप्टर 22 होता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, उससे रिलेटेड हम सारी चीजें पढ़ेंगे। फॉरेन कंपनी क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे उसकी रिटर्न्स फाइल होती है, उसके लाइजन ऑफिसर्स कौन होते हैं, एटसेट्रा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं जो सेक्शन 394 एंड 395 में दिए होते हैं वो भी बेटा हम लोग कवर करेंगे। इन एडिशन टू दिस हम लोग डोरमेंट कंपनी करेंगे सेक्शन 455। इसके अलावा हम लोग रिमूवल ऑफ नेम्स जिसको आप लोग स्ट्राइक ऑफ बोलते हो सेक्शन 248 से लेके 252 तक करेंगे। मुझे आप पता है आप लोग मेरी बातें सुनते सुनते क्यूरियोसिटी से पूछना चाह रहे हो सर डायरेक्टर्स कब होगा। बेटा डायरेक्टर्स भी होगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स के लिंक्स मिल जाएंगे। डायरेक्टर्स भी पूरा का पूरा रिवाइज होगा सेक्शन 149 से लेके सेक्शन नंबर 205 तक। इसके अलावा अमित सर हम और कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे? बेटा हम लोग करेंगे इसके अलावा अपना चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन, जो कि सेक्शन 230 से लेके सेक्शन नंबर 240 तक होता है। इसके अंदर हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के साथ साथ हम लोग रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, पार्शियल डीमर्जर क्या होता है, ये सारी चीजें इस चैप्टर से कैसे डिराइव होती है। सर मर्जर अमलगमेशन एंड कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट दोनों का प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है? फास्ट ट्रैक मर्जर क्या होता है सेक्शन 233 में? सर फास्ट ट्रैक मर्जर के अंदर क्या एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं चाहिए होता? नहीं, तो इसका मतलब वो जल्दी हो जाता है, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। भाई एनसीएलटी का नहीं चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल तो चाहिए होता है अंडर सेक्शन 233। 234 पढ़ेंगे जो कि बात करता है हमारे फॉरेन कंपनी के साथ मर्जर की। 237 जब सेंट्रल गवर्नमेंट जबरदस्ती फोर्सिबली दो कंपनीज को मर्ज करने के लिए कहती है। 235, 236, 238 ये तीनों के तीनों जो सेक्शंस हैं ये टेक ओवर की बात करते हैं, एक्विजिशन की बात करते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम लोग अपने इस रिवीजन बैच के अंदर पढ़ने वाले हैं। इन एडिशन टू दिस हम लोग
ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का जो चैप्टर है बेटा उसे भी पढ़ेंगे। हम सबको पता है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट जो है वो सेक्शन 241 से लेके 246 तक आता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो 244 माना जाता है, राइट टू अप्लाई, एंड 245 जिसको हम क्लास एक्शन सूट बोलते हैं। और तो और बेटा इस सारे टॉपिक के अंदर जितनी भी केस स्टडीज हैं हम वो सारी की सारी केस स्टडीज पढ़ेंगे, फिर चाहे वो शांतिलाल ट्यूब वाली हो, फिर चाहे वो वेस्ट एंड एजेंसीज वाली हो, या सबसे इंपॉर्टेंट फॉस वर्सेस हारबॉटल वाली केस स्टडी हो जिसको हम मेजॉरिटी रूल बोलते हैं, एंड इसके अंदर हम एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ मेजॉरिटी माइनॉरिटी रूल की भी बातें करते हैं, राइट बच्चे, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अमित सर इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे हम? और इसके अंदर बच्चे हम लोग पढ़ेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से रिलेटेड चीजें, जो कि हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 407 से लेके सेक्शन नंबर हमारा 434 तक हम पढ़ते हैं, वो भी सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। सर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कितने टाइम में जजमेंट देती है, हम उसकी जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम अपील कैसे फाइल करेंगे एनसीएलईटी के पास, एनसीएलईटी के अगेंस्ट कहां जाएंगे, और सर अगर कोई ऑर्डर दिया क्या उसे रेक्टिफाई करने की पावर है एनसीएलटी के पास, ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अमित सर ये बात भी हमें बिल्कुल क्लियर हो गई। इसके अलावा बच्चे इन एडिशन टू दिस हम लोग इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन भी पढ़ेंगे। नाउ हियर इज अ ब्यूटी अबाउट इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, सुनेगा ध्यान से। इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन सीए फाइनल को पढ़ाया जाता है, सीए फाइनल का सीएमए फाइनल को पढ़ाया जाता है, सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया नहीं जाता, पेपर में आता है। सीएस एग्जीक्यूटिव को पढ़ाया ही नहीं जाता, कोर्स में है ही नहीं, न्यू कोर्स में, ओल्ड कोर्स में है, न्यू कोर्स में है ही नहीं, लेकिन एग्जाम में आया था आपके दिसंबर 20 के एग्जाम में भी आया था, तो इसका मतलब सर आउट ऑफ कोर्स आता है। भाई आउट ऑफ कोर्स नहीं, मैंने तो पहले ही बोला है जब तक आपका सीएस का ओल्ड कोर्स चल रहा है तब तक वो वाले चैप्टर्स नए कोर्स के एग्जाम में आ ही सकते हैं। सर इसके अलावा हम और क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा हम लोग इस बैच के अंदर वाइंडिंग अप से रिलेटेड भी चीजें पढ़ेंगे। वाइंडिंग अप सर हम लोग क्या सेक्शन 270 से लेके 365 सेक्शन है वो सारे करेंगे। बेटा वाइंडिंग अप का वो डिटेल लेवल नहीं पढ़ाया जाता किसी को भी सीएससीएस सीएमए लेवल पे, जितना है हम उतना पढ़ेंगे, बिल्कुल ओवरव्यू नहीं होगा, थोड़ा सा डिटेल में होगा, बट हाँ ऑब्वियसली उतना होगा जितना आपके कोर्स में दिया जाता है। सर इसके अलावा हम लोग और क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? बेटा हम लोगों को अब यहां तक तो मैंने वो बताया जो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड सेक्शन 197 जो कि रेमुनरेशन वाला है जिसमें स्केड्यूल 5 होता है, इन दोनों को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ जाए, लेकिन ये दोनों टॉपिक जो है जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ाने में तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे लगते हैं, इसी तरीके से रेमुनरेशन पढ़ाने में तकरीबन 6 से 8 घंटे लगते हैं, तो सर क्या ये भी आप हमें डिटेल में पढ़ाओगे? बिल्कुल सर, वो क्या इसी मैराथन में कवर होगा? बेटा उसके लिए चाहे मुझे 3.0 लाना पड़े, लेकिन ट्रस्ट मी चाहे मैं थर्ड महा मैराथन लाऊं फेज 3 लाऊं मैं कराऊंगा जरूर, दैट्स माय प्रॉमिस। इसके अलावा हम लोग कुछ बेसिक चीजें भी पढ़ेंगे, जैसे कि हम थोड़ी बहुत ड्राफ्टिंग भी पढ़ेंगे। ड्राफ्टिंग के अलावा अगर हम बात करते हैं हम निधि कंपनी पे भी आएंगे, तो ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चे टाइमिंग आप सबको पता है, टाइमिंग है इवनिंग 7 PM to 8 PM। कल से आना है, कल 20th April है, 20 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। अब आता है सर हम एक्सेस कैसे करेंगे इन लेक्चर्स को, मेन चीज एक्सेस वाली बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। आप लोग नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उस पर किसी भी लेक्चर पर क्लिक कीजिएगा, या अगर आप लोगों ने कभी अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड किया तो ऐप को डाउनलोड करना। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पर आप जाएंगे सीए गोल्स में एंड सीए फाइनल में। याद रखिएगा पहले आप गए थे सीए इंटर में, अब आप जाएंगे सीए फाइनल में। सीए इंटर में नहीं जाना आपको, सीए फाइनल में जाना है। सीए फाइनल में जाके भी मेरा कोड यूज करेंगे आप, AMVO10। आप सबको पता है मेरा कोड, दैट्स AMVO10। इस कोड को आप यूज करेंगे AMVO10 को सीए फाइनल में जाके, वहां पे जाके सीए समित वोरा को फॉलो करेंगे और फिर स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर पाएंगे। आई रिपीट, ऐप को डाउनलोड किया, ऐप को डाउनलोड करके सीए गोल्स में गए, सीए गोल्स में जाके सीए फाइनल में गए और सीए फाइनल में जाके मेरा कोड यूज किया, अमित वोरा को फॉलो किया और फिर वहां पर जाके आप मेरी स्पेशल क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे, राइट बच्चे। तो सी यू गाइस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स इन महामैराथन 2.0 फेज 2, जिसमें हम सेक्शन 147 149 से लेके 470 तक पढ़ने वाले हैं। तो
ऑल द बेस्ट, सी यू गाइस इन द क्लास।